शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो वहां चलते हैं। लेट्स गो। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। वाओ, कितनी सुंदर जगह है ना। इस जगह की खूबसूरती दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। थैंक्स राहुल, शाम तक यही रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। शाम तक क्यों, पूरी रात रुक जाते हैं, कल सुबह यहाँ से चलते हैं। राहुल, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? जस्ट जोकिंग। ओ पापा। हेलो। हाँ पापा, बोलिए। राहुल, मैं अभी ऊटी के लिए निकल रहा हूँ। ऊटी के लिए? क्या हुआ पापा, ऊटी आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आखिर क्या बात है पापा, क्या हुआ भाभी को? क्या हुआ है मैं नहीं जानता, मुझे बुला रही है, बहुत रो रही थी। एक दो दिन वहाँ रुक कर पता लगाता हूँ। मैं सब जानता हूँ भाभी, बहाना है, आप तो वहाँ अपने पोते से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आराम से जाइएगा पापा। ठीक है बेटा, घर का ख्याल रखना। ठीक है पापा। अरे वाह, क्या परफेक्ट टाइम मिला है मुझे, पापा आज ऊटी के लिए जा रहे हैं। राहुल, ये भाभी कौन है? अरे मेरे भाई की बीवी। तुमने कभी अपने भाई के बारे में जिक्र नहीं की। अरे उसने ऐसा कौन सा तीर मारा है जो मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं? मुझे उसके नाम से ही नफरत होती है। क्या वो इतने बुरे हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया? एक्चुअली वो एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की का नाम ऐश्वर्या था। क्या हुआ तुम्हें बेटी? अरे रे रे रे, तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? क्या हुआ? बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, बैठो आराम से। क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही। कुछ नहीं पापा, तने क्या हुआ है? क्या हुआ मालूम नहीं, चलो बेटा हॉस्पिटल चलते हैं। रहने दीजिए पापा, पिच ज्यादा हो गया होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है पापा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन सब बातों में देर नहीं करनी चाहिए बेटी। ठीक है पापा, मैं ब्यूटी पार्लर से होकर सीधा शाम को हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लूंगी पापा। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। शादी कब करोगे? अगले साल। तुम मुझसे हमेशा यही कहते हो। इतना क्यों सोचती हो, हमारी शादी कभी न कभी तो होगी ही ना। मधुकर। मधुकर कौन है ये? ये मेरी पहचान वाली है, तुम वहां रुको मैं आता हूँ। मधुकर, ये आप क्या कर रहे हो? क्यों दिखा नहीं किया, अभी देखा ना तुमने, अपनी लवर के साथ रोमांस कर रहा था। शादी का वादा मेरे साथ करके रोमांस किसी और के साथ कर रहे हो, क्या आपको ये ठीक लगता है? ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो, दिमाग खराब मत करो मेरा, जैसे आई थी ना वैसे ही लौट जाओ। मधुकर, मेरी जिंदगी का मजाक मत बनाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें तो टेंशन वाली क्या बात है, किसी भी हॉस्पिटल में जाके एबॉर्शन करवा लो और तुम्हारे पिता ने जो लड़का फाइल किया है उसे शादी कर लो। मधुकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे बात को समझो ना। ए, चलो जाओ यहाँ से, फालतू में मेरा मूड खराब मत करो। आम से रस निकलने के बाद छिलकों को कोई अपने पास रखता है क्या, तुम्हारी हालत भी वैसी ही है, चलो जाओ यहाँ से। मधुकर मेरी बात तो सुनो ना, मधुकर प्लीज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो बेटी? नहीं जीना। क्या हुआ बेटी, ऐसा तुम क्यों कर रही हो बेटी, ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ बताओ बेटी, अपने पापा को बताओ बेटी। पापा मैं नहीं जीना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा बेटी। क्या बात है, क्या हुआ बताओ तो सही। अब मत रोइए पापा।
साथ रही है। उसने मुझे शादी का झूठा वादा करके मुझे धोखा दे दिया। पापा मैं क्या करूं? प्लीज चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। बेटी वो कौन है मुझे बताओ, वो कौन है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है बेटा बताओ, बताओ कौन है वो? हेलो, कहाँ ना भिजवा दिया है? चलो अब फोन रखो। नमस्ते सर। नमस्ते। फाइल रेडी है सर। सब करेक्ट है ना? करेक्ट ही है सर। इसे भिजवा दीजिए। जय हिंद सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते, क्या काम है? सर ये मेरी बेटी है सर, ऐश्वर्या नाम है इसका। मेरी बेटी को एक इंसान ने शादी का झूठा दिलासा देकर प्रेग्नेंट करके इसे धोखा दे दिया है सर। प्लीज मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए सर। सर ये मेरी इकलौती बेटी है सर, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है सर। अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता तो ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती सर। सर अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा सर, मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा सर। शादी से पहले सुहाग रात मनाना गलत बात होती है, तुम्हें यह बात पहले पता नहीं थी क्या? गलती करने से पहले एक बार उसके परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए, तुम में अकल नहीं है क्या? वो ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था सर, कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर उसने मुझे धोखा दिया सर। सर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला अब आपके ही हाथों में है सर। ठीक है ठीक है, उसका नाम क्या है बताओ जरा? मधुकर। और उसका घर? जानती हूँ सर। घर में कोई है क्या? जगन्नाथ आपका ही नाम है? हाँ मैं ही हूँ, क्या काम था आपको? आपका बेटा घर पे है क्या? हाँ है। उसे बुलाइए जरा। मधुकर, मधुकर। क्या है पिताजी? इधर आ। ये कौन है? ये मेरा दूसरा बेटा है राहुल। मधुकर तुम ही हो ना? जी मैं ही हूँ। क्या हुआ सर, इन्होंने क्या किया है? तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा काम किया है, ऐश्वर्या नाम की लड़की को प्यार के झांसे में फंसा कर धोखा दिया है उसे। ए, वो जो भी कह रहे हैं सच है क्या? बोलो। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे? आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, जब तक तुम जिंदा हो तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इसने जो भी पाप किया है उसकी इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको जन्म देने की गलती का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसको यहाँ से घसीटते हुए ले जाइए। इसे ले चलो, इसे मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। नहीं सर, छोड़िए सर। बहुत दर्द हो रहा है सर, दर्द हो रहा है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। नहीं सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। अब ये ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। ए, क्या
क्या समझता है तू? लड़कियों को अपने हाथ का खिलौना समझता है? तेरी हड्डियों को तोड़ के सूरमा बना दूंगा। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। जान से मार दूंगा ब्लडी रास्कल। कितने लड़कियों को धोखा दिया है, कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। तुम लोग धरती पे बोझ हो, मर जाना ही ठीक रहेगा। सर, आप रहम कीजिए सर, उन्हें मत मारिए सर, मुझसे और देखा नहीं जा रहा, प्लीज सर। क्या कहा, इसे छोड़ दूं? जिंदा गाड़ दूंगा इसे। तूने जो पाप किया है, शादी करके उसे धोना पड़ेगा। हाँ, करूंगा सर, करूंगा, शादी करूंगा, शादी करके इसे अच्छे से रखूंगा सर। लव खुद करते हो, परेशान हमें करते हो। ए, वहां से दो वरमाला और एक मंगलसूत्र लेके आओ। ठीक है सर, शादी करवा देता हूँ। इन सब के बाद पुलिस वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद वो ऊटे के कॉलेज में लेक्चरर है और वहीं पर सेटल हो गए। ऐसा है क्या? इन सब की वजह से मेरे पापा के मान सम्मान को बहुत तकलीफ पहुंची, इसीलिए उन्होंने खुद को दूर कर दिया। लेकिन कभी कभी भाभी उनके पास फोन करके हालचाल पूछती रहती है। भाभी की बीमारी सुनते ही पापा ऊटी जाने के लिए तैयार हो गए, इस बात का तो मुझे यकीन है। इन सब बातों को जाने दो, पुरानी बातों को भूलकर सब एक हो जाए तो अच्छा है। रम्या, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई ऐसा दिन आएगा जब हम सब एक हो जाएंगे। रम्या, ये लो दूध पी लो बेटी। हमेशा हाथ में मोबाइल रहता है और चैटिंग करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जल्दी पियो। मेरे जाने के बाद फिर से हाथ में मोबाइल लेके चैटिंग मत करने लगना, थोड़ा आराम भी किया करो। ठीक है माँ, समझ गई ना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हाय रम्या, खाना खाया क्या? शाम में कुछ स्नैक्स खाया था तो भूख नहीं लगी है, अभी हॉर्लिक्स पिया है। तुमने खा लिया ना? खाना तो खा लिया, बस सोने के लिए जा रहा था तभी तुम्हारी याद आ गई तो मैंने कॉल कर दिया तुम्हें। सरकार को बिना मुझे याद किए नींद नहीं आती ना? कैसे आ सकती है, मेरी जिंदगी का तुम ही तो सुकून हो। मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, शादी तक इंतजार तो करना ही होगा। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं पापा से बोलूंगा और हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, वैसा ही करना। रम्या, मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, जहाँ हसीन वादियों में मैं और तुम हो, चलोगी ना? ठीक है चलते हैं, लेकिन शाम तक घूम कर वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स रम्या। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते, आप कौन हैं? मेरा नाम सुंदरनाथ है। रात के 11 बजे कॉल कर रहे हैं, इस समय कोई कॉल करता है क्या? कॉमन सेंस नहीं है। मैडम, मेरे सेंस को छोड़िए, आपके सेंस को क्या हो गया है? व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो तुम? सुनिए मैडम, कल रात आपने 1 बजे एक आदमी को पीट पीट कर जान से मार दिया। बेचारा, उसने आपका क्या बिगाड़ा था बोलिए? तुम उसे जानते हो क्या? नहीं मालूम। तो फिर तुमने उसे कैसे देखा? मैं अपना वॉचमैन का काम खत्म करके रोजाना उसी रास्ते से गुजरता हूँ। आपने जो भी किया उसे अपनी आंखों से देखा है। प्लीज ये बात किसी को मत बताना, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। किसी से ना कहूँ कैसे हो सकता है मैडम? तो फिर अगर नहीं बतानी है तो मुझे उसकी कीमत चाहिए, 20 लाख। ठीक है, दूंगी, अभी आती हूँ, बताओ कहाँ आना है? बड़ा सा पेड़ है ना, उससे कुछ ही दूरी पर। मैं आपका इंतजार करूँगा। लेकिन एक बार 20 लाख रुपए लेने के बाद दोबारा मुझे कभी कॉल नहीं करोगे? मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं दोबारा कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा।
ठीक है, आती हूँ।